नई मुंबई महापे के अड़वली भुतवली में आदिवासियों के लिए बनाए गए 22 मकान धूल खा रहे हैं। बीते साल आवंटन नहीं होने से आदिवासी परिवारों को पिछली बारिश में बदहाली के बीच रात गुजारनी पड़ी थी। फिलहाल नवी मुंबई महानगर पालिका द्वारा निर्मित इन मकानों के शीघ्र आवंटन की मांग की गई है। देखिए रिपोर्ट। अगर सब कुछ ठीक रहा तो नई मुंबई महापे के अड़ौली भुतौली के आदिवासी परिवारों को जल्द ही पक्के मकान मिल जाएंगे। नई मुंबई महानगर पालिका ने यहाँ 22 पक्के घर तैयार किए हैं, हालांकि अभी तक इनके आवंटन नहीं हुए हैं। हकीकत ये है कि इन मकानों के आवंटन नहीं होने से स्थानीय आदिवासियों को पिछली बारिश में टूटी हुई झोपड़ी और मुसीबत के बीच दिन गुजारने पड़े हैं। इसीलिए स्थानीय आदिवासी इसके जल्द आवंटन की अपील कर रहे हैं। हाँ, वो कोरोना के वजह से कुछ बहुत प्रॉब्लम ही हुआ, लेकिन लेट बहुत हो गया कि जल्दी देना चाहिए था, बहुत कुछ लेट हो गया, तो फिर भी वो लेटर दे दे के उन लोगों ने उनके हिसाब से जल्दी देने का किया है कि हम जल्दी से जल्दी दे देंगे। बताना जरूरी है कि पूर्व नगर सेवक नामदेव डाउरकर समेत कई स्थानीय नेताओं ने भी इन मकानों के आवंटन के लिए मनपा आयुक्त को निवेदन दिया है, हालांकि अभी तक आदिवासियों को उनका घर नहीं मिल सका है। उन्होंने आदिवासियों की मुसीबतों का हवाला देते हुए इन मकानों के शीघ्र आवंटन की मांग की है। नवी मुंबई टीटीसी औद्योगिक क्षेत्रात जवळ जवळ आदिवासी पाड़े 8 आहेत आणि महापा गाव आडवली भुतरी गाव घरकुल योजना जिल्हा परिषदनं दिली होती ती आजपर्यंत तशी होती, परंतु या आदिवासी पाड्यात आता जवळजवळ 22 घरं बांधलेली आहेत। मी आयुक्त साहेबांना बांगर साहेबांना सांगितलं काही घरं बांधलेली आहेत, ते त्यांचा मुहूर्त काढा, त्यांना पावसाच्या काळात त्यांना झोपायला जागा नसायची। या विभागातनं महापौर होऊन गेले, स्टँडिंग चेअरमन होऊन गेले, परत विरोधी पक्षनेते होऊन गेले, पण आदिवासी पाड्यांचा आजपर्यंत विकास झाला नाही, ती दुर्दैवाची बाब आहे। ब्युरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।